हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 7:30 और हम एक कश्मीरी काढ़ा बनाएंगे, जिसे बोलते हैं कावा, जो वहाँ के लोग पीते हैं। तो ठंड बहुत होती है वैसे ही वहाँ पर, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। गाइस, ये हम बना रहे हैं 4 लोगों के लिए। इसमें 4 कप पानी डाला है, आप 5 कप कर देना क्योंकि इसको पकने में भी टाइम लगता है। और इसमें डालेंगे हम इलायची हरी वाली, कूट के डाल दिए। और दिल्ली में भी बहुत ठंड हो रही है 3-4 दिन से, तो ये बहुत फायदा भी करता है खांसी जुखाम, जिस तरीके से बार बार कोरोना के इम्यूनिटी के लिए भी, इम्यूनिटी पावर के लिए भी है ये। दालचीनी डाली थी हमने पहले, इलायची, दालचीनी। हमने इसमें जावित्री, दालचीनी कूटकर और सौंठ का एक टुकड़ा डाला है, सूखी सौंठ होती है, सूखी अदरक, उसको सौंठ बोलते हैं आप। का पाउडर भी डाल सकते हैं, सूखी भी डाल सकते हैं। और काली मिर्च भी 3-4। जो भी डालें कूट के डालें। अब हम डाल रहे हैं 2 लौंग। ये बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, जो काढ़ा बनाने में नंबर 1 है। इन्हें बहुत तरीके काढ़े आते हैं, हम सारे डालेंगे, तो आप जरूर उसको ट्राई करना। ये क्या डाला? दालचीनी। ये दालचीनी के टुकड़े। अच्छा, पहले हमने वो जावित्री डाली थी। केसर डाल दिया हमने, केसर भी डलेगा। ये जाएगा केसर के कुछ स्लाइस डाल रहे हैं, 5-6। ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है, जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा, जिनको निमोनिया की शिकायत होती है, ठंड जल्दी से लग जाती है। ये बादाम के कुछ टुकड़े हैं, ये हम बाद में डालेंगे। ये जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो ये हम कप में कूट कर डालेंगे उसे, और फिर उसके ऊपर इसको छानेंगे। देखिए कितना, बिल्कुल खोलाना है इसे। गाइस, इसमें थोड़े से बादाम के टुकड़े भी डालेंगे, और यही बादाम थोड़े से कूट कर हम कप में भी डालेंगे। गाइस देखिए, ये इस तरीके से जब गोल्डन सा कलर आने लगे, यही इसकी पहचान है कि ये अभी रेडी होने वाला है। बस इसमें हम एक पैकेट ग्रीन टी डालेंगे, आप जो भी ग्रीन टी यूज करते हैं वो आप इसमें डालेंगे। देख सकते हैं ये वाली ग्रीन टी हम यूज करते हैं, इसका एक पाउच हम ये डालेंगे। हम डेली खाली यही लेते थे, अब हम इसमें मिक्स करके लेंगे। देखिए डिप वाली है, अगर आपके पास कोई वैसी हो तो, डिप वाली हो तो उसको इस तरीके से इसका पैकेट खोल के डाल दें, बस एक ही पैकेट, मैंने इसी पैकेट की बात की थी। अब इसको 2 मिनट और पकाएं, और इसमें आप शक्कर ना पिएं, हनी पिएं, हनी डालें, हनी डालकर पिएं। ये बहुत फ़ायदेमंद काढ़ा है, तो आप इसको इस समय ज़रूर पीजिए, ताकि हम कोरोना से भी बच सकें और अपनी इम्यूनिटी पावर भी बरकरार रहे, सर्दी भी ना लगे हमें। जो भी सर्दी की बीमारियां होती हैं, खांसी जुकाम, इन सब से बॉडी पेन, ये सब दूर हो जाते हैं, तो है ना ये।
फायदेमंद फायदेमंद चीज हमेशा हमें ट्राई करनी चाहिए। बन चुका है, अब हम इसमें एक चम्मच शहद डाल देंगे बस, और इसको मिक्स कर देंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब ये बिल्कुल पीने के लिए तैयार है। आप इसको जब मर्जी पी सकते हैं, दिन में 2-3 बार तो आप इसको पी ले, 2 टाइम सोते समय या ब्रेकफास्ट में सुबह उठते ही। तब ये रेडी हो चुका है। इस तरीके से हमने इसमें बादाम डाल लिए थे, कुछ 2 बादाम कूट कर, और ये देखिए ये हमारा कावा इज रेडी। तो आप इसको बनाएं और ऐसे पिए, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।